दिल्ली में सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनका आज एक सपना पूरा होने जा रहा है और ये सपना पूरा होने जाएगा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खुद। और इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर वे परिवार रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने घरों की चाबी 575 ऐसे परिवारों को देंगे जो झुग्गी झोपड़ियों में कई दशकों से रहते आए हैं। अब तो हम कालकाजी एक्सटेंशन में मौजूद है जहां पर 3024 फ्लैट बन रहे हैं और जिनमें से 575 फ्लैट्स की चाबी आज प्रधानमंत्री द्वारा लोगों को दी जाएगी और उन लोगों का आज सपना पूरा होगा। अगर बात की जाए इस पूरे प्लान की तो तीन जगहों पर ये फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। एक है कालकाजी में, दूसरा बनाया जा रहा है कठपुतली कॉलोनी में और तीसरा बनाया जा रहा है जेलर वाला बाग इलाका है अशोक विहार में वहाँ पर। अब तो अगर इसी जगह की बात की जाए तो आप ये पहले सबसे पहले हम आपको फ्लैट दिखाएंगे ये किस तरह का फ्लैट है, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर, फिर परिवार से बात करेंगे। तो 1 BHK के 3024 सिर्फ कालकाजी में फ्लैट्स है, 2800 कठपुतली कॉलोनी में और तकरीबन 1600 जेलर वाला बाग इलाके में ऐसे फ्लैट्स बनाए जाएंगे। यहाँ पर कई सारे ऐसे परिवार हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। तो कालकाजी के इलाके अकेले में तीन कैंप है, जवाहर कैंप, नवजीवन कैंप और तीसरा कैंप है भूमिहीन कैंप। तो यहाँ पर वो भूमिहीन लोग रहते थे जिनके पास खुद के घर नहीं थे, लेकिन आज उनका सपना पूरा होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा तकरीबन 30 गज का फ्लैट है। ये हॉल था, ये आप देखिए यहाँ पर बाथरूम अलग है, टॉयलेट अलग है, किचन अलग है और एक कमरा अलग है। खास बात यह है कि कई मंजिला इमारतें हैं यहाँ पर और इसीलिए लिफ्ट की पूरी सुविधा की गई है और बेहद ही मामूली से दाम पर इन लोगों को घर दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये वो कमरा है और ये बालकनी है और ये पूरा वो इलाका है जहाँ पर ये लोग आके रहेंगे। और अब इन लोगों के परिवार वालों से भी बात करेंगे एक बार, इनके परिवार वालों से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको जिनका सपना साकार होने वाला है, जिनको घर मिलने वाला है, उन लोगों से भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे और समझते हैं कि कितना मुश्किल ये इंतज़ार था और कितना बेसब्री से वो लोग इंतज़ार कर रहे थे इस घड़ी का। सर आपका नाम क्या? सोनू। आपका नाम? सूरजमुखी। तो पहले मैं आपसे बात करता हूँ, कितने समय से घर का इंतजार था दिल्ली में, आप कब से रह रहे हैं? हम 87-83 के रह रहे हैं भैया। 83 के रह रहे हैं, 83 मतलब 40 साल तब से घर का इंतजार। साल 42 साल के रहे हैं। 42 साल से घर का इंतजार। तो कछु इंतजार नहीं हो, मिलेगा को नहीं मिलेगा। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? तो ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा, एकदम सपना मतलब पूरा होने। और कितना दाम, कितने पैसे आपको देने होंगे इस फ्लैट के? 1,51,035 रुपए दिए हमने, महज 1.5 लाख रुपए में आपको। ये साउथ दिल्ली में ऐसा घर मिल रहा है, बाहर किराए पे लेने जाते थे या फिर फ्लैट के बारे में कभी सोचते थे तो कितने का पड़ता था? बैक पे अगर तो किराए पे सोचेंगे तो गोंदपुरी में कम से कम 8 से लेकर 10 हज़ार रुपया। हाँ महीना, लाइट बत्ती पानी का अलग। खरीदने की सोचे तो सपना, वो तो सपना ही है। तो सपना ही है, खरीदने के तो 20 लाख 25 लाख का, कहाँ से इतना, 15,000 की नौकरी में कहाँ खरीद पाएंगे। हाँ खुशी है, बहुत खुशी है। स्नान घर, शौचालय, कमरा, रसोई घर, लिविंग रूम और बालकनी। अब लाखों रुपए के घर लेकर भी लोगों को बालकनी आजकल नहीं मिल पाती है और अगर कई लाख रुपए खर्च करने के बाद भी साउथ दिल्ली में घर लेना आज भी कई लोगों के लिए सपना है। लेकिन ये सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, आज इनका सपना साकार होने वाला है।